अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्बास बलोच और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने भक्खर का विज़िट किया और भक्खर की तारीख़ में पहली बार किसी वज़ीर आला ने भक्खर के लिए तारीखी एक तरक्याती मनसूबों का पैकेज अनाउंस किया है। 10 अरब से ज़ायद रकम की मालियत से भक्खर में मुख्तलिफ मनसूबों का आगाज़ किया गया है, जिनमें थर्ड यूनिवर्सिटी शामिल है, निकासी आब के मनसूबे हैं, सेहत के मनसूबे हैं, तालीम के हवाले से कॉलेज स्कूल्स की अपग्रेडेशन और नए मनसूबे उसमें शामिल हैं, इसी तरह बहुत सारे दीगर मनसूबा जात भी शामिल हैं। और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने एक बड़ी खूबसूरत तकरीर भी की और अपनी मीठी सराइकी ज़बान में उन्होंने गुफ्तगू की है भक्खर में आकर। तो यहाँ पर सबसे पहले जब यहाँ पर पहुँचे हैं मेला ग्राउंड में, तो कमिश्नर सरगोधा फराह मसूद और डिप्टी कमिश्नर भक्खर ने उनका इस्तकबाल किया। उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग रूम में तरीन ग्रुप के रहनुमा सैयद अकबर खान नवानी और अमीर मोहम्मद खान हसन खैली समेत हम ख्याल ग्रुप के गदनफर चीना, आमिर शानी और डॉक्टर मोहम्मद अफजल ढांडला और उनके साथ साथ जनाब सनाउल्ला खान मस्ती खैर से भी उन्होंने गुफ्तगू की है। एक तवील गुफ्तगू उनके दरमियान होती रही। उसके बाद उन्होंने भक्खर के मुख्तलिफ मनसूबा जात का उन्होंने संग बुनियाद भी रखा और इफ्तिताह भी किया। इसी वाले से मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा जनाब उस्मान बुज़दार, और आपके दरमियान ज़्यादा देर तक हायल नहीं रहना चाहता, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो से भी आप मुस्तफ़ीद होते रहें। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उनको शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं जनाब उस्मान बुज़दार की तरफ। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सारे तो पहले अपने ग्रामे दोस्तों का जे इतना तशरीफ गिना उतारा शुक्रिया अदा करें। अज भक्खर शहर के मैं पहली दफ़ा आंदा पिया। इस तू पहले मैं मनकेरे तहसील डू विजिट कर चुका। मैं कोई थां कि इवें महसूस थे कि मैं डेरा गाजी खान में आया पे। इंशाअल्लाह भक्खर मेरा दूजा घर है, जितनी ये पसमानदा ज़िला है इंदा मैं कोई एहसास है, क्योंकि मैं आप एक पसमानदा इलाके तू तल्लुक रखेंदा। मैं थोड़ी देर पहले अपने पार्लियामेंटेरियन को दसेंदा पे हामी कि ये जेरे इलेक्शन थैन ये इलेक्शन को दू नहीं पहले मैं सारी रात जमीन के उत्ते गुजार के मैं सवेरे कितने पहुँच गया। मेरा रास्ता कोई ना वजन का और 40-40 किलोमीटर तक मैं पैदल चल के मैं रोड तक पहुँचता रह गया। मैं कोई एहसास है कि तकलीफ़ क्या है, जितना लोगों को पीवन का पानी कोई नहीं, जितना लोगों को इलाज की सहूलत नहीं मिलती, जितना सड़क कोई नहीं, मैं कोई ना तमाम चीज़ें का एहसास है। असं आवन के नाल एक अपना वीजन बनाया कि एक पंजाब सूबे दे विच एक बराबरी की बुनियाद उत्ते एक तरक्की का एक नवा दौर शुरू करूँ, जिंदे विच पूरे पंजाब के 36 जिले का एक अलहदा अलहदा डिवेलपमेंट पैकेज तश्कील दिता गया। जितना जी जिले का हक है उतना ही उनके स्कीम और उतने फंड रखे गए और खसूसी तौर उत्ते जो पसमानदा अजला हैं उनके उनकी तादाद फंड ज़्यादा दिते गए। और तक पता है कि मैं मुख्तलिफ जिले दौरा करेंदा पाँ और उनके अपने जोड़े इलेक्टेड नुमाइंदे साडे पार्टी के लोग उन्हें सारे नाल मशवरा थी कि एक पैकेज बनते और इंशाल्लाह अगले 2 साल उनके उत्ते असं कम करे सूँ और वो इंप्लीमेंट करे सूँ ताकि जितना महरूमी हैं उन्हें को असं ख़त्म कर सकूँ। अज भक्खर के विजिट के दौरान असं कुछ स्कीमें का इफ्तिताह किया, जिंदे विच रूरल एसेसिबिलिटी प्रोग्राम के तहत 50 करोड़ रुपए के 7 सड़क जो मुकम्मल की चुके हैं और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 40 करोड़ के 42 सड़क मुकम्मल थी गए और CDP 2 के तहत 22 करोड़ के 27 सड़क ये कुल 1 अरब 22 करोड़ के 76 मनसूबे मुकम्मल किए गए। तो कुछ मनसूबे की ग्राउंड ब्रेकिंग की गई है, उनके रूरल एसेसिबिलिटी प्रोग्राम के 65 स्कीमें वास्ते 66 करोड़ रुपए दिए गए और CDP के 17 करोड़ रुपए 19 स्कीमें वास्ते दिए गए। इस तू इलावा तारी जी थल यूनिवर्सिटी है उनका मनसूबा भी शामिल है, जैसे वास्ते 3 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए और 8 करोड़ रुपए की लागत नाल भक्खर शहर के मॉडल बाजार का मनसूबा भी शामिल है। ये तकरीबन कुल मिला के 1 अरब 12 करोड़ के 26 मनसूबे थे जैसी ग्राउंड ब्रेकिंग की गई है। तो इन उत्ते मैं तो एलिया ने भक्खर को मुबारकबाद पेश करा। टोटल तुहाडे डिस्ट्रिक्ट का जो डिवेलपमेंट पैकेज है
ये 9,48,00,000,000,000 रुपए का तैयार किया गया और इन्दे विच इंशाल्ला 106 स्कीम हो सन जिहड़े मुकम्मल किए हुए सन। इन्दे विच जिहड़ा DHQ पखर है जिथा हैल्थ की नाकाफ़ी सहूलियात इंशाल्ला अपग्रेड किया हुआ सी और इतना जरा कार्डिक सेंटर कोई नहीं तो इलाज मुआलजे वास्ते काफ़ी दूर तक वजना पौधा इंशाल्ला कार्डिक सेंटर इतना बनाया हुआ सी। दरिया खान और मनकेरा जे जे तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल हैं उन्हें दे विच ट्रामा सेंटर भी बनाए हुए सन और तो लोकल सर्किट हाउस की बेहतरी वास्ते भी फंड्स दिते हुए सन और शहर की सीवरेज और इनकी खूबसूरती जी है उनके वास्ते भी स्कीम रखी गई है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के स्कीम इन और पुलिस को भी पैसे दिते वेंदे पन रेवन्यू डिपार्टमेंट को भी। तो आपको पता है कि पुलिस को पिछले अरसे दे दौरान सारा हमेशा इस्तेमाल किया वेंदा और इन उत्ते कोई खर्च न किया वेंदा इनकी डिवेलपमेंट वास्ते इनके मामलात बेहतर करन वास्ते साड़ी हुकूमत ने तकरीबन कोई 550-600 नवे गाड़िया फराहम किए पुलिस को एग्जैक्टिव अलाउंस दिते जवान को अलाउंस जोड़ा इन्हों का बंद थे पाया वो खोले और नवे 100 थाने वास्ते लैंड अलाट कर दी गई है और 45 थाने नवे बनते पैन पंजाब के अंदर जे इंशाल्लाह जल्दी थी वे सन और 13,000 की जी नफरी है पुलिस के भर्ती की वही पी है और जिमें तो मालूम है कि इन दफ़ा कणक की भी बंपर प्राइस बंपर क्रॉप थी है और अस अलहमदुल्ला अपना जो टारगेट है पंजाब हुकूमत का असा अपना अचीव कर किते हूँ अस उत्ते वेंदे पे और मेरे ख्याल ये पहली दफ़ा है कि जितना किसान को 1,800 रुपये रेट भी मिले और गन्ने का भी अच्छा रेट मिलता रह गया और गंदम का भी अच्छा रेट मिलता रह गया और किसान को इंशाल्लाह काफ़ी सारा रिलीफ मिल गया और उन्हें को महसूस किया उसी हमेशा बारदाने वास्ते गिरदावरी की जरूरत होंगी और मुख्तलिफ तरीके नाल उन्हें को रोकया वेंदा है कि फूड सेंटर तक न पहुँचन और हूँ तुसा मेरे ख्याल सारे लोग गवाह हो सो कि उत्थां क्या सिचुएशन है कि किवें लोगों को इज्जत नाल ट्रीट किया वेंदे एक हुकूमत वास्ते किसान वास्ते एक मिसाल है कि असा उन्हें को कितना प्रेफरेंस देंदे पे और एक किसान कार्ड का भी इजरा किया गया पिछले दिनों दे विच जरा 10,00,000 किसान का डेटा पंजाब हुकूमत को है उन्हें को किया वेंदा पे मजीद को भी उन्दे विच शामिल किया वे सी और इन दिन आवन नाल इंशाल्लाह डायरेक्ट सबसिडी किसान तक पहुँच सी और उनको मजीद बेहतर करने वास्ते दिन रात उनके उत्ते काम जारी है इंशाल्लाह इन दे नाल साडे जिहड़े जमींदार भैरां नूं काफ़ी फायदा हो सी। जिहड़ी यूनिवर्सिटी है बखर दे वास्ते हमेशा इनकी डिमांड है कि इन इलाके दे विच लोग पढ़ते हैं और इन तकों दूर वंजना पाते लोगों को तकलीफ थी है और साड़ी हुकूमत का एक मंशूर है कि अस आखिए कि जिधर डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी कोई नहीं अस हर डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी बने सूँ और इंशाल्लाह उनके वास्ते अस काफ़ी सारे यूनिवर्सिटियों के उत्ते काम कर चुके हैं कुछ शुरू थी गए कुछ तकमील के मराहल कुछ तो एक्ट बन गए और कुछ इंशाल्लाह काबीना के जिन्हें रोज़ाना मैं विजिट करा और उन्हें केस बनते और उन्हें मंजूरी की दी और मैं आपको ये गल की मुबारकबाद देना कि तुम्हारी थल यूनिवर्सिटी जी है वो इंशाल्लाह उनका ई साल इफ्तिताह थी हुई सी जिंदा एक्ट असेंबली दे विच इंशाल्लाह बहुत जल्द पास किया हुआ सी और 234 एकड़ सराय महाजर के मुकाम के उत्ते जमीन भी अलाट कर दी गई और 30 करोड़ रुपए भी इनके वास्ते रखे गए। उस तो इलावा तुहाडा एक देरीना मुतालबा है कि MM रोड का जो बलकसर टू मियाँ वाली टू मुजफ्फरगढ़ ये तकरीबन कोई 5 जिले रोड के उत्ते आते हैं और इन्हें लोगों की तो बड़ी तकलीफ है काफ़ी अरसे को इनकी रिपेयर मेंटेनेंस नहीं थी इनकी हालत ठीक नहीं तो असं डिठा उसी कल ही लिया के असं वजीर आजम साहब को यो रिक्वेस्ट की है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को फौरी तौर पर अहकाम जारी करो ताकि ये इनकी ड्यूटिलाइजेशन का काम स्टार्ट करें और सूबाई हुकूमत ने लैंड की जो प्रोसेस है वो वफाकी हुकूमत को मुंतकिल कर दी गई है। एक बेहद पुराना मनसूबा इं इलाके का साढ़े कोई 4-5 डिस्ट्रिक्स जोड़े हैं पसमानदा थल दे उनका है कि थल कैनाल ग्रेटर थल कैनाल वो जेरे तकमील है काफ़ी अरसे को सोचा वह कि इन्होंने क्या करूँ 13 साल तक इन्होंने काम नहीं किया गया और इनकी लैंड एक्विजिशन की गई और रीसेंटली
कि मनसूबे को दोबारा पीटीआई की हुकूमत ने टेकअप किए काबीना च असाई को गिना है और इनकी लैंड एक्विजिशन दे लोगों को जरे थी पी घट मुआवजा दिता गया उनको ज़्यादा ग्रांट देने वास्ते 1.5 अरब रुपए पंजाब काबीना ने मंजूर कर दिते हैं और पैसे जेडे डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर्स हैं उन्हें अकाउंट पहुँच चुके हैं इंशाअल्लाह उन्हें बहुत जल्द तकमील थी वैसी और उन बाद कोशिश करे सो इंशाअल्लाह ई साल ई कैनाल को ग्रेटर थल कैनाल को स्टार्ट कर सकूँ। 1965 के बाद पंजाब इरीगेशन डिपार्टमेंट ने कोई भी नहर बनाने का मनसूबा इंप्लीमेंट नहीं किया। यह दूजा नहर वो जरा हुकूमत पंजाब ही घूमे से पहला जेलम एक कैनाल बनती पी है तो दूजा इंशाअल्लाह थल कैनाल वो जरा बन सी जल्द मुकम्मल थी 17 लाख एकड़ जी वो इंशाअल्लाह ये को थल कैनाल को सैराब की सी इंदा फेज़ 1 मन केरा ब्रांच तो मुकम्मल लेकिन फेज़ 2 जी इंशाअल्लाह मुकम्मल करे सूँ 28 लाख एकड़ इन नाल टोटल सैराब की सी। एक बिया प्रोग्राम में फॉरन एडेड पंजाब रूरल सैनिटेशन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट जैसे तुरी तहसील दरिया खां उनके शामिल है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इन भी काम शुरू किया वैसे और इनकी लागत तो सी इतना जरा डेवलपमेंट का काम करे सन वो तकरीबन 5 अरब रुपए की स्कीम ई तहसील के ऐलान की इंशाअल्लाह या से काम। स्कूल अपग्रेडेशन हमेशा को हर कहीं की डिमांड होंगी है कि जितना ही असा गए स्कूल की अपग्रेडेशन की वजे और पिछले 2.5 साल के अरसे 1,250 स्कूल असा अपग्रेड कर चुके हैं कुल पहले माशाल्लाह जी पिछली हुकूमत आई उन्हें 1,250 किए अस 2.5 साल 1,250 किए हूँ इंशाअल्लाह अस पूरी सर्वे कराइए कि पूरे पंजाब के अंदर जो फिजिबल हैं जो स्कूल अपग्रेड थी सकते हैं वो असं स्टडी करा की है वो तकरीबन 27,000 स्कूल हैं जैसे वास्ते 5 अरब रुपए का खर्चा सी असं वो एग्री कर चुके हैं इंशाअल्लाह अगले साल तक 27,000 स्कूल पंजाब के अपग्रेड थी सक जो प्राइमरी टू हाई हाई टू हायर सैकेंडरी तक लगे हुए सन इंशाअल्लाह और इंदे विच बखर दे 320 स्कूल जो अपग्रेड थी सन माशाल्लाह और उन्दे विच 236 स्कूल गर्ल स्कूल हो सन बखर जिले के जो अपग्रेड थी सन। दानिश स्कूल की तामीर मनकेरे के तहसील जारी है उनके वास्ते 25 करोड़ रुपए की ग्रांट फराहम की गई है इंशाअल्लाह इनको जल्द मुकम्मल किया वे ताकि इन इलाके के लोगों को तालीम की सहूलत हासिल की वे। जिला बखर जरा कल्चरली बहुत ज़्यादा रिच है और इतना फनकार लोग इनको अपने इनको फन करन दा मौका नहीं मिलता पाया तो उन्हें वास्ते एक आर्ट्स कौंसल की तजवीज़ है जैसा डिज़ाइन नस्ट पाक ने मुकम्मल करके दे जरा 40 करोड़ रुपए की लागत न इंशाअल्लाह जल्दी बना गए और शुगर साइज के 10 करोड़ 12 सड़कों की मुकम्मल कर दी गई है और 5 करोड़ 8-6 सड़कों के उत्ते मजीद काम जारी है। स्पोर्ट्स के हवाले नाल बखर सिटी 7 करोड़ की लागत नाल क्रिकेट ग्राउंड का काम मुकम्मल की गए अकलूर कोट 5 करोड़ और मनकेरा दे 5 करोड़ रुपए की लागत नाल क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया सी। चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट बखर दे लावारिस जिहड़े बाल ने उन्हें रखण वास्ते एक इदारा बनाया वेंदा पै तो इंशाअल्लाह अगले साल वो ही बने सी। बाकी जी लाइफ स्टॉक फार्म है रखमानी उनको मॉडर्नाइजेशन वास्ते एक स्कीम बनाई वेंदी पई है तो उन्दे वास्ते 18 करोड़ रुपए रखे वेंदे पै। ई वक्त तुहाडे जिला बखर दे विच टोटल 10 अरब 35 करोड़ रुपए के स्कीमें उत्ते काम जारी है जिंदे विच 76 स्कीम हैं जिन्होंने उत्ते काम किया पै। हेल्थ के हवाले नाल ये हुकूमत ने जितना काम किए मेरे ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री कितना ही नथिया उसी कल तक तो मालूम है कि वजीर आजम साहब ने लिए चू हेल्थ कार्ड का इफ्तिताह किया जिंदे विच डेरा गाजी खान डिवीजन और साहिवाल डिवीजन मौजूद है उतों को लोग कल स्टार्ट थी गए कि हर बंदे को हेल्थ इंश्योरेंस उनके को सी और कहीं भी सरकारी प्राइवेट हस्पताल को अपना इलाज करवा सकती इंशाअल्लाह दिसंबर तक पूरे पंजाब के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिल सी जैसे कोई बंदा न रहा सी कि जै कोई हेल्थ की कवरेज ना हो सी एक इंशाअल्लाह मिसाली कम है जरा थी ना पा। और 120 जरे तहसील हेडक्वार्टर पंजाब के अंदर उन्हें को रिवैम्प किया वेंदा पाया और उन्हें की कैपेसिटी वधाई वेंदी पई है। इवें ही लेबर डिपार्टमेंट के जितने हस्पताल हैं जिन्हें स्टेट ऑफ द आर्ट हस्पताल हैं
और वो कहीं भी एमरजेंसी दे विच कहीं भी पेशेंट को ना गिनते हैं उत्थां भी असं कानून साजी की है और उन्हें दी तमाम जो लेबर के हॉस्पिटल ने पंजाब के अंदर वो एमरजेंसी भी ट्रीट करे सन और आम रेट्स के उत्ते लोगों को इलाज मालदे की भी सहूलत करे सन जरा हेल्थ डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट करे सन। उन तो इलावा जो नवे हस्पताल बनाए वेंदे पैन जिंदे विच अटक नवा हस्पताल मदर एंड चाइल्ड बनाया वेंदा पै डेरा गाजी खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जिंदे उत्ते काफ़ी कम थी चुके निस्तर टू इंशाल्लाह ई साल इंदा ओपीडी खुलवे सी शेख जैद रिमियर खान बनाया वेंदा पै भावल नगर मदर एंड चाइल्ड हस्पताल बनाया वेंदा पै राजनपुर मदर एंड चाइल्ड हस्पताल जो इंशाल्लाह इंदा उन्होंने असं इफ्तिताह करे सूं लई विच कल असांजी ग्राउंड ब्रेकिंग की है मदर एंड चाइल्ड हस्पताल बनाया वेंदा पै मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इंशाल्लाह ई साल उनकी ओपीडी का नवा ब्लॉक अपना काम शुरू करे सी तैयब उर्दगान मुजफ्फरगढ़ जड़ी दी एक्सटेंशन है उनका इफ्तिताह थी कि उतना काम स्टार्ट कर चुकी है और मियाँ वाली के अंदर मदर एंड चाइल्ड और डी एच क्यू हस्पताल इच्छा हो सी कि इंशाल्लाह काफ़ी सारा इन्होंने कम थी चुके और रावलपिंडी के इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी वास्ते भी फंड्स दे दिए और उनकी बिल्डिंग तमाम कंप्लीट थी गई है। उन तो बाद सर गंगा राम हस्पताल 650 बेड का लाहौर के इंशाल्लाह ई साल अपना काम तकरीबन उनकी बिल्डिंग 50% कंप्लीट थी हो सी और 1000 बेड का स्टेट ऑफ द आर्ट हस्पताल लाहौर के बनाया वेंदा पै जिनकी कागजी कार्रवाई और उनकी जमीन ट्रांसफर थी चुकी है फिरोजपुर रोड के उत्ते इंशाल्लाह उनकी भी उनका ग्राउंड ब्रेकिंग असं करे सो। सियालकोट के 7 अरब रुपए की लागत नाल एक बड़ा हस्पताल बनाया वेंदा पै और डी एच क्यू चकवाल वास्ते भी फंड्स फराहम कर दिए गए इंशाल्लाह ई साल उन्हें उत्ते काम शुरू करती सी और उनके बाद हफ्जाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल नवा बनाया वेंदा पै और डेरा गाजी खान का टीचिंग हस्पताल और मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक और उनकी एमरजेंसी के उत्ते भी कम थींदा पै इंशाल्लाह इवें ही जी चाइल्ड इंस्टीट्यूट है हस्पताल लाहौर उनको अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दे दिता गया और इवें ही इंशाल्लाह जितने जितना है गुजरांवाला डी एच क्यू जो टीचिंग हस्पताल है उनको अपग्रेड और चिल्ड्रन हस्पताल भी उतना बनाया वेंदा पै कुछ मैं जो जिक्र की थी मैं कर गिना वाल दस जी बखर का डी एच क्यू भी अपग्रेड थींदा पै इंशाल्लाह। सेहत कार्ड का मैं पहले जनाब को दसा दिते कि इतना टूट भी ने शुरू थी गए और इंशाल्लाह दिसंबर तक पूरा पंजाब 100% कवर थी वे सी जिमें तो मालूम है कि वैक्सीन अजकल लगती पी है कोविड की बड़ी मुश्किल सूरत हाल है पूरे दुनिया के सिर्फ पंजाब ही ने और हुकूमत पंजाब ने 1.5 अरब रुपया दिते कि अपनी वैक्सीन गिन के असं लोगों को लाऊ जी इंशाल्लाह अगले स्टेज के उत्ते और राजी रिकॉर्ड सेंटर जमींदारों का हमेशा मुतालबा होंगे ही 100 को कुछ ज़्यादा राजी रिकॉर्ड सेंटर हैं पंजाब के हूँ असं फैसला किए कि असं हर कानून को ही सेंटर तक राजी रिकॉर्ड सेंटर इंशाल्लाह खुले सी और तकरीबन इंशाल्लाह उनके अमल दरामद थी चुके और 40 मोबाइल वैन्स भी इंशाल्लाह इंडक्ट हो जरा फिर के लोगों की खिदमत करे सन उन्हें कोई रिकॉर्ड सेंटर बना के ले सन और इन बाद बखर के जड़े हैं 4 सेंटर पहले मौजूद हैं और 15 जड़े हैं वो इस वेले ऑपरेशनल हैं और 13 इंशाल्लाह ई महीने तुहाडे राजी रिकॉर्ड सेंटर जड़े उस ऑपरेशनलाइज थी वे सन। जहाँ तक इंडस्ट्री की गल करूँ ई तो पहले 70 साल 3 इंडस्ट्रियल स्टेट सन पंजाब दे विच असां हुकूमत पंजाब ने 13 की अप्रूवल की है और 7 की मंजूरी विफाकी हुकूमत ने दे दी है तो मेरे ख्याल हिस्ट्री इतनी कम न थिया हो सी। टोटल पंजाब के अंदर 12 सीमेंट फैक्ट्रीज हैं और असं इंशाल्लाह ई साल के आखिर तक 16 सीमेंट फैक्ट्रीज को NOC दे दें 7 को असं इतों पहले दे चुके हैं। जहाँ तक मैं यूनिवर्सिटीज़ की गल करा और इंशाल्लाह 48 यूनिवर्सिटी की मंजूरी थी गई और 32 नवे कॉलेजेस ई साल शुरू किए वे पैन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ मैं उन्होंने जिक्र करना चाहता कि असं थोड़ी 48 यूनिवर्सिटी है लिया यूनिवर्सिटी का अनाउंस किए कोसार यूनिवर्सिटी मियाँ वाली यूनिवर्सिटी आ गई यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल गोमेंट यूनिवर्सिटी रावलपिंडी बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान राजनपुर यूनिवर्सिटी पाक पतन बाबा फरीद यूनिवर्सिटी गुजरांवाला यूनिवर्सिटी अटाकिस यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ झांग यूनिवर्सिटी ऑफ हाफजाबाद शामिल हैं। इस तू इलावा 3 जड़े
टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, त्यांजन यूनिवर्सिटी को कंप्लीट किया, रसूल जरा है टेक्निकल कॉलेज उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिता गया, और डेरा गाजी खान मीर चाकर खान रिंद यूनिवर्सिटी को दर्जा दे दिता गया, और अपना काम भी स्टार्ट कर चुके। और रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप जो ऑलरेडी हुकूमत देती पी है, उनके 15,000 स्कॉलरशिप ये भी शामिल किए गए हैं, जरा हर साल इंशाल्लाह ये बधाए वैसे, और ताकि गरीब लोगों को बिलो सहूलत मिल सके। और एंटी इनक्रोचमेंट का एक जी सारी हुकूमत की एक मिशन ही आवन वाले स्टार्ट किया, तो पता हो कि 450 अरब रुपए की मालियत की जमीन इस वेले तक हुकूमत पंजाब गुजार करा चुकी है। और तो ये भी जान के खुशी हो सी कि जो सूबाई टैक्सेस हैं उनके इन दफा अस अपना टारगेट मुकम्मल कर चुके हैं, इंशाअल्लाह अस हरिद्वार अगो भी सौ अल्लाह के हुक्म न। बाकी जितनी भी थोड़ी खिदमत हो सी अस करे सौ, एक प्रोजेक्ट वफाकी हुकूमत को आँदी पी है जिंदे पीवन के पानी की सहूलत वास्ते एक अलहदा पैकेज दिता रहना पे, जिंद चोलिस्तान कोए सुलेमान और थल का एरिया और मियाँ वाली एरिया शामिल हो सी, इंशाअल्लाह इतों के लोगों को पीवन के पानी की सहूलत जी उसी वो अस इंशाअल्लाह उन्हें को देसूँ। और ये PTI की हुकूमत का मेरे ख्याल आवाम दोस्ती का यह सबूत हो सी कि जोड़े बेसिक तेरे रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें इलाकें दे असा वो करेंदे पे, और स्पेशली जोड़े साढ़े रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है इंशाअल्लाह इन दफा फैडरल PSDP चूँ भी सकूँ स्कीम्स मिल सन, और सूबाई हुकूमत भी रखे सी, और जोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट डिवेलपमेंट पैकेज है साढ़े मुंतखब नुमाइंदे के तावन नाल अस पूरा पूरा इंशाअल्लाह इंप्लीमेंट करे सौ। तो देख सौ कि अगले कुछ अरसे इंशाअल्लाह काफ़ी तो तब्दीली नज़र आ सी, और मेरा मिशन है कि मैं जो पसमानदा इलाके खसूसी तौर पर उतना तवज्जो करा, और मैं वहाँ विजिट करा, थोड़े न मिला, थोड़े को फीडबैक देना, और इंशाअल्लाह जी सा एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है ये थोड़ी खिदमत वास्ते, और मैं शुक्रिया अदा करना अपने जो मेरे नाल बैठे अराकीन असेंबली के हमेशा इन्हें मैं कुछ सपोर्ट किए, और असेंबली मैं को कहीं किस्म की तकलीफ नहीं थी, कहीं भी कम करने वास्ते प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि इन्हें इमदाद मेरे नाल आई, और ये इंशाअल्लाह थोड़ी खिदमत वास्ते कमिटेड हैं, और इंशाअल्लाह ये थोड़ी पूरी पूरी अस इंशाअल्लाह थोड़ी खिदमत कर सौ। मैं एक दफा वाल थोड़े सारे दोस्तों का जो तशरीफ दिना थोड़े सारे का भी मैं शुक्रिया अदा करना, और प्रेस क्लब का जो मसला है मैं DC साहब को जिम्मे ला दिते, इंशाअल्लाह वही तरह हाल दे रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया।